पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ सकेंगे और ये फैसला 25 जुलाई 2019 से लागू होगा। इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस प्रकरण में पूर्व में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और अब न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद 3 सितंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामले के अनुसार नयागांव कालाडूंगी निवासी मनोहर लाल आर्या, ज्योत सिंह बिष्ट, घोषिया रहमान सहित कई अन्य लोगों ने अलग अलग याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार की ओर से 2019 में पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर दो बच्चों से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, जो कि गलत है। याचिका में कहा था कि सरकार की ओर से इस संशोधन में बदलाव के बाद पिछली डेट से लागू कराया जा रहा है और ये नियम विरुद्ध है।